कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का कदबर है। कोई असहज नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में धैर्य सबसे बड़ा चीज है। हमने धैर्य के साथ सामना किया। उन्होंने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया यूपी में, तो मैंने बोला था कि आप यूपी से यू टर्न लीजिए, नहीं तो फिर बुचहा चुनाव लड़ने में परेशानी। आप बुचहा विधानसभा उपचुनाव में यदि खुले तौर पर बात करें तो आमने सामने दो मलाह नेता आ गए जिनकी सियासत दाव पर लग गई हुई है। एक तरफ कैप्टन जय नारायण निषाद की तैयार की हुई सियासी जमीन को बचाना अजय निषाद के है, तो दूसरी ओर भियाबी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को अपने अस्तित्व को बचाना है। ऐसे में अजय निषाद हैं। अच्छा, एक बात क्लियर है कि पिताजी की बड़ी सियासी जमीन थी और अपना उत्तराधिकारी बना करके उन्होंने आपको लोकसभा भेज दिया। आप सेफ्टी से पूरी तरह से सेफ थे, पिताजी के जीवन में सांसद बन गए। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने आपके सामने सहनी प्रत्याशी उतार दिया, हालांकि आपकी भारी मत से जीत हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सियासी जमीन में सेंधमारी आपको नजर आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी आप जब देखेंगे 96 में पहली बार हमारे फादर सांसद हुए थे, 98 और 96 में डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी प्रत्याशी थे, लेकिन जब 99 की बात आई तो उस समय भगवान लाल सहनी जी आ गए थे, नहीं सॉरी महेंद्र सहनी जी आ गए थे, उसके बाद भगवान लाल सहनी जी। अपने रीजन के तमाम नेताओं को पछाड़ कर कैप्टन निषाद देश के स्तर पर निषाद समाज के बड़े नेता थे, मंत्री भी बने, और उनका कद यह था कि अपने अजय निषाद बेटे को भी सांसद बना दिए, तो वह लड़ बात नहीं। लेकिन अजय निषाद को अपने पिता के सियासत में सेंधमारी नजर आई मुकेश सहनी के मामले? नहीं नहीं, कोई सेंधमारी नहीं है। उनका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग है। NDA के साथ वो गठबंधन में आए तब उनका कद बढ़ा। NDA के साथ गठबंधन में आए, चुनाव हार कर भी मुकेश सहनी मंत्री बन गए। अजय निषाद जरूर असहज हुए थे? नहीं, कोई आपके पास आते थे, आप असहज जरूर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का कद बढ़ा। कोई असहज नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में धैर्य सबसे बड़ा चीज है। हमने धैर्य के साथ सामना किया। उन्होंने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया यूपी में, तो मैंने बोला था कि आप यूपी से यू टर्न लीजिए, नहीं तो फिर बुचहा चुनाव लड़ने में परेशानी। आप मुकेश सहनी को समझा रहे थे या अपने चाल में उन्हें पछा रहे थे और केंद्रीय नेतृत्व को या समझाने में सफल रहे कि मुकेश सहनी NDA और BJP के लिए हानि है? सेफ जोन बना रहे? सेफ जोन हम नहीं बना रहे थे। हाँ, एज ए सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष के हैसियत से मेरा भी दायित्व था कि जो जमीनी बातें हैं उसको शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएँ, और हम पहुँचाएँ उनको, हमारी बात से सहमत हुई और ये काम आप अपने एजेंडे में सफल हुए और मुकेश सहनी आज हाँ सीएम पर हैं। बुचहा चुनाव में बची खुची कसर आपने निकाल दी और उनके पार्टी को ही बर्बाद कर दिया। ऐसे में काफ़ी संख्या में मलाह हैं और मलाहों के साथ एक बड़ी समस्या है। हमने भी सर्वे किया, लोगों से बात की कि अजय निषाद कैप्टन निषाद के बेटे हैं, पुराने नेता हैं मलाहों के, और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह कहते हैं। तो अब बुचहा के बहाने यदि बुचहा में आपकी पार्टी की जीत होती है तो निश्चित रूप से पार्टी और सरकार में आपकी कद बढ़ेगी, लेकिन मुकेश सहनी यदि BJP कैंडिडेट को हराने में सफल हो जाते हैं, नहीं भी जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की उपस्थिति बची रहेगी। देखिए, अब इसका तो भविष्य की बातें हैं, इस पर हम ज्यादा क्या लगता है। आपकी पूरी दाव लगी हुई है, आपने बगावत कराया, आपने पार्टी से हटवाया, पार्टी को बर्बाद किया, और यहाँ पर मैंने VIP पार्टी को, और इसके बाद बुचहा में कैंडिडेट उतार दिया। घोषणा बाद में हुई, आप शुरू से कहते आ रहे हैं, आप पहले दिन से कहा BJP लड़ रही है। यदि ऐसे में अजय निषाद की प्रतिष्ठा दाव पर है? मैंने तो पहले बोला था कि UPA से यू टर्न लीजिए, बुचहा आप लड़िए, हम चुनाव जिताएंगे। आपके जो एक विधायक कम हुए हैं वो फिर की उस आग को आप बढ़ा रहे थे, आप उस आग को बढ़ा रहे थे, मुकेश सहनी को समझाने के बहाने धीरा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी सलाहें दे रहे थे। मला तो उनको सलाह हमेशा दिया है, लेकिन वो माने नहीं। कैप्टन निषाद का गमछा मरते ही उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया और निषाद जी के सियासत को कहीं ना कहीं हथियाना चाहा। आप पर जरूर कहीं ना कहीं दबाव था और आप उसमें सफल रहे। ऐसा कोई दबाव नहीं था। हर आदमी का राजनीति का रास्ता अलग अलग होता है। कोई राजनीति में दूर तक जाता है, कोई फास्ट चल के कहीं रुक जाता है। तो हमको लगता है कि क्या है, राजभूषण निषाद जो आपको हराने आए थे आज आपके पाले में आ गए, तो कहीं ना कहीं अपने विरोधी को नस्तो नाबूद करने की तैयारी में तो नहीं अजय निषाद? नहीं, मैं इससे पहले चिराग पासवान से भी मिला था, उनसे भी पूरी घेराबंदी आप कर रहे हैं, उनसे भी मैंने समर्थन मांगा। आज मैं रोसड़ा गया, माननीय राजभूषण जी से मिला, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि हमारे प्रत्याशी बेबी जी हैं। आपके डायरेक्ट विरोधी राजभूषण निषाद होना चाहिए था, लेकिन आपने उनसे भी दोस्ती कर ली। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुकेश सहनी को उस जो बढ़ता कद है, यानी जिस अर्श पर चले गए, उससे उनको फर्श पर लाने की तैयारी में आप लगे? देखिए, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी होता है
तो एक तो उसका राजनीतिक कद बढ़ जाता है, जैसे चुनाव जीते हारे वो अलग मामला है, लेकिन प्रत्याशी होते हुए राजनीति में उसका कद बढ़ जाता है। तो आज के डेट में राजभूषण कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को, अजय निषाद को छोटा करना भारी तो नहीं पड़ गया? नहीं, कोई भारी आपको विरासत में मिली, राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, दो बार के सांसद भी हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गेम में आप उनको उलझा के नाश कर दिए। राजनीति विरासत में तो बहुत लोग हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ऐसा अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग भी जो सियासी जमीन आपके पास थी उस जमीन को शिकार हो गए बड़े नेताओं से। आज के डेट में पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि हम अपने स्वर्गीय बोचहा की बात करें तो क्या, चूंकि भाजपा तो है एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अजय निषाद के कैरियर का बहुत बड़ा यह चुनाव पूरे मान सम्मान के साथ जीतेंगे। क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, अभी तो आज ही बैठक हुई है, तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने 35 विधायक को 35 पंचायत की जिम्मेवारी दी है, तीन हमारे मंडल हैं, तीन मंत्री को मंडल का प्रभारी बनाया गया है, उसके अलावा कम से कम 2,500 से 3,000 लोग यहाँ चुनाव प्रचार में पूरी फौज आएगी। हम लोग ऐसा ही लगता है, तो मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाए वो जहाँ चुनाव से अलग भी, तो आपका बिहार के सियासत में कौन है जो आपको जगह आपके पिता के सियासत को छीनना चाहता है? कोई नहीं है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के सांसद हैं और इसमें उससे कोई खतरा नहीं, उनका अलग दल है, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो आप फिनिश करें? नहीं, दल फिनिश नहीं किया, अभी थोड़ा सा बाकी है। जी, अजय निषाद हैं जो बोचहा चुनाव जीत को लेकर पूरी रणनीति बना रहे हैं, बीजेपी की फौज उतर रही है, 35 पंचायत में 35 विधायक आ रहे हैं, कई एक मंडल के प्रभारी मंत्री हो रहे हैं, वहीं कैप्टन जय निषाद ने जो सियासत बनाई थी उस सियासत को बचाए रखने और उसको काबिज रखने के लिए पूरे तरह से जाल बिछा रहे हैं, और उस जाल में अभी तक कहा जाए तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी शिकार हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।